हेलो फ्रेंड्स, ये है नॉइस कलरफिट प्रो 4 स्मार्ट वॉच। आज मैं स्मार्ट वॉच के इंटरफेस और फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अभी लगभग 4000 रुपये में अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये जो वीडियो है वो रिव्यू नहीं है, वो सेपरेट वीडियो रहेगा। वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है, यूट्यूब चैप्टर्स आपको नीचे दिख जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वॉच के इंटरफेस स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन ऑन करने के लिए साइड बटन प्रेस करिए। अगर रिस्ट वेक फीचर ऑन है तो रिस्ट ऑन करने पर स्क्रीन ऑन होगा। बैक जाना है तो लेफ्ट टू राइट स्वाइप करिए या फिर साइड बटन प्रेस करिए। मेन स्क्रीन के लेफ्ट और राइट में आपको विजेट्स मिल जाएंगे। ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नीचे कंट्रोल सेंटर रहेगा। साइड बटन सिंगल प्रेस करने पे आपको मेन्यू पे लेके जाएगा। अगर साइड बटन को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो रिबूट, पावर ऑफ और रिसेट का ऑप्शन दिखाता है। और ये सारे फीचर्स को आप एक एक करके बताता हूँ मैं। पहला है वॉच फेस। जिससे क्राउन को जब हम रोटेट करते हैं ना तो उसका वॉच फेस चेंज होता है। और ये वॉच फेस जो इसमें सेव्ड है वही है। 5 तो इसमें परमानेंटली फिक्स्ड रहता है। इसमें एक ही वॉच फेस है जो इसको आप चेंज कर सकते हैं। वॉच के ऐप में और वॉच फेस ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, और सेलेक्ट करने पे जो आपका एक स्लॉट जो अवेलेबल है वो चेंज होता रहेगा। कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन भी है, स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटो और कलर सेलेक्ट करिए, सिंक करिए, बस हो गया आपका वॉच फेस। इसमें कुछ वॉच फेस ऐसे भी है जो इंटरेक्टिव है, मीन्स जो फीचर दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा उस फीचर पे आपको लेके जाएगा। अब आते हैं हम विजेट्स में। स्क्रीन के लेफ्ट या राइट में जाने पे आपको सारे विजेट्स मिल जाएंगे। और सारे जो विजेट्स है वो हेल्थ रिलेटेड ही है। जैसे हार्ट रेट यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, SPO2 है, आपका स्लीप डाटा दिखाएगा, आपका स्ट्रेस का स्कोर मेजर कर सकते हैं। और एक पेज है समरी शीट जो देता है आपको, आपका हेल्थ रिलेटेड जो भी समरी है आपके पूरे दिन का वो आपको इस पेज में मिल जाएगा। और ये जो पेज है वो इंटरेक्टिव है, तो इस पेज में आप जो भी क्लिक करेंगे आपको सीधा उसके फीचर पे लेके जाएगा। इसमें विजेट्स को सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑर्डर चेंज करने का या कट या डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगला आता है नोटिफिकेशंस में। स्क्रीन के ऊपर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। इसको जो है आपके मोबाइल के ऐप से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐप में इसके सेटिंग्स के अंदर में नोटिफिकेशन और अलर्ट्स का ऑप्शन है, उसको ऑन करिए और कौन से आपके नोटिफिकेशन चाहिए आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चाहे तब इंडिविजुअली डिलीट भी कर सकते हैं या फिर पूरा मिला के एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। इस वॉच में कॉलिंग ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें आप ब्लूटूथ इनकमिंग कॉल सेट कर सकते हैं। पहले तो ऐप से इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप इसमें 10 कॉन्टैक्ट तक ऐड भी कर सकते हैं। वॉच में जो है नॉइस विद बस्क सेलेक्ट करिए। कॉल सेटिंग्स के अंदर में और ऑप्शन है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फो दिखाएगा, कॉल हिस्ट्री दिखाएगा और एक डायल पैड मिलेगा। डायल पैड से आप नंबर कॉल लगा के डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। कोई कॉल अगर आ रहा तो कुछ इस तरह दिखेगा। कॉल रिजेक्ट करके ऑटो SMS का रिप्लाई भी दे सकते हैं आप। और ये जो ऑटो SMS है उसको आप सेट करके दे सकते हैं अपने ऐप के थ्रू। इसमें म्यूट ऑप्शन है, कट या पिकअप कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप वॉच से पिकअप कर दिए तो मोबाइल को डाइवर्ट करने का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपको फ़ोन के थ्रू आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके फ़ोन में वापस लेने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर। नीचे जो है वॉच का कंट्रोल सेंटर मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्टेटस और बैटरी लेवल दिखाएगा आपको। पहला है साइलेंट मोड, जो इनकमिंग नोटिफिकेशन साइलेंट करेगा। फिर उसके बाद है फ़ोन फाइंड फीचर, जो क्लिक करें तो आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा तो आप फाइंड कर सकते हैं फ़ोन को। नेक्स्ट है ब्राइटनेस एडजस्टर, इसमें ऑटो ब्राइटनेस फीचर तो नहीं है। उसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, फिर है बैटरी सेवर मोड और लास्ट है सेटिंग्स। सेटिंग्स में और बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, जैसे ब्राइटनेस एडजस्ट करना, जैसे इसका कॉल का रिंगटोन या वाइब्रेशन सेट करना। नेक्स्ट है रिस्ट अवेक फीचर, इसको आप शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं, मतलब रात सोते समय आप इसको बंद रखिए नहीं तो बीच में भी जलता रहेगा स्क्रीन। और फिर ब्राइट स्क्रीन टाइम ऑप्शन है, आपका स्क्रीन कितना टाइम तक जला रहेगा एक बार ऑन होने के बाद ये बता रहा है। मैंने बैटरी चेक करने के लिए मैक्सिमम सेट किया है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड का भी यहाँ से आप स्मार्ट मोड या फिर शेड्यूल सेट कर सकते हैं। आपको जो मेन्यू है आपको ग्रिड व्यू में चाहिए, लिस्ट व्यू में चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का ऑप्शन है, मतलब आप समझो कुछ वर्कआउट कर रहे हैं तो वो ऑटो डिटेक्ट करेगा। सारे ऑप्शंस तो नहीं है, कुछ 4 ऑप्शंस है। मैंने इस फीचर को ऑफ रखा है क्योंकि कुछ भी और एक्टिविटी करते रहेंगे तो बीच में पूछ लेगा कि आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद अबाउट कॉल्स, ये आपको कॉल्स के सारे सेटिंग्स के बारे में बताएगा। फिर डिवाइस इन्फो, आपको डिवाइस के बारे में बताएगा। QR कोड, ये आपको ऐप का जो QR कोड है उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद है रिबूट, पावर ऑफ और रिसेट। अब आते हैं इसके मेन्यू ऑप्शन। मेन्यू में जो पहला ऑप्शन है वो है नॉइस हेल्थ। ये आपको जितने हेल्थ रिलेटेड सेटिंग्स है पूरों को एक जगह लेके आता है। आपको एक्टिविटी दिखाएगा, हार्ट रेट दिखाएगा, ब्लड ऑक्सीजन दिखाएगा, स्लीप टाइम दिखाएगा, आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। स्ट्रेस ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है नॉइस बस, ये वही कॉलिंग फीचर। क्लॉक के अंदर आपको अलार्म, टाइमर, स्टॉपवॉच और वर्ल्ड क्लॉक मिलेगा।
अब आते हैं इसके वर्कआउट्स में। इन्होंने क्या क्या मल्टीपल जो एक्सरसाइज है उसको कैटेगराइज करके सिंगल में लगाया। जैसे रनिंग स्पोर्ट्स के अंदर में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिमिलरली इंडोर स्पोर्ट्स में अलग ऑप्शन मिलेंगे, बॉल गेम्स को लेकर अलग ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारे एक्सरसाइज ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉगिंग के लिए तो अच्छा रहेगा। इसमें कनेक्टेड GPS का ऑप्शन भी है। अब आउटडोर एक्सरसाइज करने का तो मोबाइल साथ में लेकर जाना जरूरी हो जाता है। आप गोल सेट कर सकते हैं यहाँ से, तो टाइम गोल हो गया या फिर कैलोरी कितना बर्न किया उसके हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग जा रहे हैं या फिर रनिंग जा रहे हैं तो डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट दबाइए, आपका एक्सरसाइज लॉक करना चालू कर देता है। आप जैसे जैसे स्क्रीन के नीचे जाएंगे आपको पूरे जो उसके एक्सरसाइज रिलेटेड सेटिंग्स हैं आपको दिख जाएंगे। स्क्रीन के राइट में आपको म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन मिलेगा जो आप एक्सरसाइज के DM में पैरेलली कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, जब आपको जो इतने भी एक्सरसाइजेस हैं उसका रिकॉर्ड दिखाएगा यहाँ पे, लास्ट 7 days का कुछ रखता है यहाँ पे। उसके बाद रिमाइंडर ऑप्शन, ये आप ऐप से सेट करना पड़ता है। फिर म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन, वही प्ले पॉज नेक्स्ट बैक वॉल्यूम यह सब कर सकते हैं। उसके बाद वेदर ऑप्शन, ये आपको पूरा एक वीक का वेदर दिखाएगा। फिर है वॉचफेस ऑप्शन जो मैं बता चुका हूँ। स्टॉक्स है, आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आपके थ्रू स्टॉक्स को सिलेक्ट करिए। आपको जो वो स्टॉक का जो लास्ट वैल्यू आपको दिखते रहेगा यहाँ पे, तो आप आपको बेचना खरीदना उसके हिसाब से डिसाइड भी कर सकते हैं। फिर फ्लैशलाइट ऑप्शन है, इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट से सेटिंग्स जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं इसके ऐप में जिसका नाम है नॉइस फिट। ऐप खुलते ही जो पहला पेज दिखेगा वो इसका समरी पेज है, मतलब आपका हेल्थ रिलेटेड डाटा पूरा आपको इसमें दिख जाएगा पर डे का। ऊपर में आपका वॉच का फोटो दिखेगा, सो क्लिक करने पे आपको वॉच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे लास्ट सिंक अप हुआ या फिर फर्मवेयर वर्जन क्या है। पेज में ऊपर में और एक ऑप्शन है चैलेंजेस करके, कुछ इस तरह दिखता है ये। उसके बाद आपका जो भी हेल्थ रिलेटेड है, एक्टिविटी रिलेटेड डाटा है, सब दिखेगा यहाँ पे। कोई भी एक डाटा ले लीजिए, आपको डेली, वीकली, मंथली या ईयरली दिखाएगा। और पेज के आखिर में आपको लास्ट जो एक्टिविटी है वो दिखाएगा। नेक्स्ट जो इसका पेज है वो है शॉप। शॉप के अंदर सारे नॉइस रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। उसके बाद है एक्टिविटी, जब जितने भी एक्टिविटी किए हैं उसका लॉग पूरा यहाँ दिखेगा आपको डेट के हिसाब से। फिर है नेक्स्ट पेज जो है वो है वॉच फेसेस, पूरे आपके वॉच फेस के जो जो ऑप्शन है पूरे इसमें दिखेंगे। और लास्ट पेज है सेटिंग्स, इसमें वॉच रिलेटेड सेटिंग्स पूरे रहेंगे। पेज के ऊपर में आपको प्रोफाइल दिखेगा, उसमें आपका गोल सेट कर सकते हैं, आपका हेल्थ जो डाटा है उसे इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट है जो कनेक्टेड डिवाइस का सेटिंग्स है, और इसके अंदर में उसका अपडेट चेक करने का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन और अलर्ट्स को यहाँ टॉगल कर सकते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन है, 10 contacts तक इसमें सेव करने का ऑप्शन दिया है। आइडियल अलर्ट बढ़े तो बहुत देर खाली बैठे रहेंगे, आपको मूव करने के लिए बोलेगा, आप उसका टाइम यहाँ सेट कर सकते हैं। फिर ऑटो हार्ट रेट मॉनिटर, जो आप ऑटोमेटिकली आपका दिन भर आपका हार्ट रेट डिटेक्ट करता रहेगा। फिर गूगल फिट से सिंक करने का ऑप्शन है। रैपिड आई मूवमेंट मतलब रेम स्लीप का जो साइकिल है उसको ऑन करना ऑफ करना उसके बारे में पूछेगा। फिर ड्रिंक वाटर रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हैं, मतलब आप पानी पीने को भूल जाते हैं जो कुछ लोग, तो आपको एवरी 1 घंटे में या 2 घंटे में टाइम सेट करने के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से बुक का पानी पीने बताएगा। डिवाइस टाइम फॉर्मेट, कैमरा शटर का ऑप्शन है, लेकिन मोबाइल में मुझे कैमरा का ऑप्शन नहीं मिला। फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, मतलब आपको वॉच यहाँ लाइट अप हो जाएगा। वेदर अपडेट्स का ऑप्शन है, यहाँ से अलार्म भी सेट कर सकते हैं। हैंड वॉश रिमाइंडर भी देगा, अब कोविड के टाइम में यूज़ हो रहा है। रिमाइंडर के अंदर आप कुछ रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जो आपको वॉच में दिखते रहेगा, उसका टाइम और डेट भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्विक रिप्लाई ऑप्शन, यही अगर कॉल आ रहा है आप उसको कट करके कुछ SMS रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्विक रिप्लाई आप कुछ स्टैंडर्ड है, इससे अलग कुछ चाहिए तो आप सेट करके रख सकते हैं। वर्ल्ड क्लॉक ऑप्शन, ये आप नंबर ऑफ सिटी सेव कर सकते हैं, उनका टाइम ये बताता रहेगा। लास्ट है स्टॉक्स, ये कौन सा स्टॉक्स आपको ये स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पर लेटेस्ट जो अपडेट्स है स्टॉक के रिलेटेड आपका फ़ोन के साथ सिंक होता रहता है, आपको फ़ोन में भी ये दिख जाएगा। बाद में जो 5th page के नीचे में बाकी सब इसका ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड और सेटिंग्स रिलेटेड है, जो आपको इसका कुछ ट्रबल शूट करने को हेल्प करेगा। इसका FAQs है, सपोर्ट का कॉन्टैक्ट है, गारंटी रजिस्ट्रेशन है, पॉलिसी, ये सब बताएगा इसमें। अभी ऐप के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। होप करता हूँ इस वीडियो में मैंने सारे इसके इंटरफेस और फीचर्स रिलेटेड सेटिंग्स जो भी है मैंने कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब करेगा। आपको कुछ और जानना है इस वॉच के बारे में तो जरूर कमेंट करेगा, मैं रिप्लाई करूँगा। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक्स एंड गुड बाय।